गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12th। आज आपकी ये पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इस पोएम की जो पोएटेस है वो है एंड्रिन रिच। और इस पोएम में आप पढ़ेंगे कि हर एक लड़की जो अपने यूथ में, जब वो युवा होती है, जब छोटी होती है, उसके भी कुछ ड्रीम्स होते हैं कि वो बड़े होकर एक फ्रीडम वाली लाइफ जिए। लेकिन आफ्टर मैरिज उसको कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और अपनी फ्रीडम को वो खो देती है। और जब उसे अपने राइट्स का पता नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसको एक मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ती है। इस पोएम में आप पढ़ेंगे आंट जेनिफर, ये जो इसकी करैक्टर है और ये राइटर है एंड्रिन रिच। तो इस एंड्रिन रिच ने आंट जेनिफर के माध्यम से इंडियन वुमेन्स को ये संदेश दिया है कि यदि वो अपने राइट्स के प्रति जागरूक नहीं रहेंगी, हो सकता है कि शादी के बाद उनकी जो फ्रीडम है, उनके जो ड्रीम्स हैं, वो स्पॉइल्ड हो जाए और उनको एक मिजरेबल लाइफ जीनी पड़े। तो इस पोयम में आप पढ़ेंगे कि द पोयम एड्रेसेस द कॉन्स्टेंटेट ऑफ मैरिड लाइफ और वुमेन एक्सपीरियंस। माने ये जो पोयम है ये संबोधित कर रही है, हमारा ध्यान दिला रही है कि जो औरतों का जो अनुभव होता है विवाह के बाद के जीवन का, कि किस प्रकार उनको हर पॉइंट पे मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जो उनके ड्रीम्स होते हैं बचपन के, जैसे लड़कों के होते हैं ना ड्रीम्स फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम वो भी ड्रीम्स करती हैं बचपन में, लेकिन शादी के बाद उनका जीवन एकदम से बदल जाता है। तो देखिए, इस पोएम में आप आंट जेनिफर के बारे में जब पढ़ेंगे, जो पूरे इंडियन वुमेन को क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है इस पोएम में, यहाँ देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रिंस अक्रॉस द स्क्रीन। आंट जेनिफर के जो बाघ हैं, प्रिंस माने उछलते हुए, अक्रॉस द स्क्रीन, एक पर्दे के पे जो है उछलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं आप, ब्राइट टोपैज जेनिजंस। और वो कैसे हैं, ब्राइट, चमकीले से। टोपैज होता है एक पुखराज, चमकीले कलर का एक पत्थर होता है पुखराज। और डेनिजंस होते हैं निवासी ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन बोलते हैं हरे भरे जंगल का। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और उनको कोई भय नहीं है किसका, जो पेड़ों के नीचे जो मैन जो वहां खड़े हैं, यानी कि जो हंटर्स जो खड़े हैं, तो वो कहीं उनको उनका भय नहीं है। तो देखो, ये जो आपको यहां पे ड्राइंग आ रहा है, ये पैनल है स्क्रीन, माने एक ऊन का बना हुआ, जैसे बनाते ना, निटिंग करती हैं औरतें, बुनती हैं कढ़ाई करके, एम्ब्रॉयडर्ड करके। तो ऐसे ही उसने अपने क्या, एक सॉल पे जो है, ऊन के एक सॉल पे जो है, क्या कर रखे हैं, बाघ बना रखे हैं। इसलिए उनको आंट जेनिफर के बाघ कहा गया है, क्योंकि उसने स्वयं वो बनाए हैं। और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो उछल कूद करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो ब्राइट, बिल्कुल चमकीले से, टोपैज मैंने पुखराज के समान, और डेनिजंस मैंने जैसे बताया निवासी, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरे भरे जंगल के निवासी। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, उनको कोई, ये देखो पुखराज जिस मैंने आपको जो बात करा, ब्राइट टोपैज, बिल्कुल उसका बिल्कुल चमकीला सा पुखराज होता है ये, और इसका कलर कहीं ना कहीं सिमिलर होता है किससे, उन बाघों से। तो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, उनको कोई भय नहीं है पेड़ों के नीचे खड़े हंटर से। दे पेश इन स्लिक, पेश मैंने कदम बढ़ाते हुए, इन स्लिक मैंने बहुत सॉफ्ट मूवमेंट करते हुए, सिवरलिक मैंने निर्भीक होकर, सर्टेनिटी मैंने निश्चित रूप से, दृढ़ता से वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखो, इस पैनल में जो आंट जेनिफर टाइगर्स लिए कहा गया है, क्योंकि आंट जेनिफर ने उन बाघों को का चित्र बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बाघ जो है वो सिंबलाइज करते हैं किसका,
ब्रेवरी का, ताकत का। और ये देखो ये ग्रीन वर्ल्ड ऑफ, जो है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मैंने हरे भरे जंगल, तो वो बाघ जो है सिंबलाइज करते हैं कैसे, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी और फियरलेसनेस का। तो ऐसे ही प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका भी अपना एक जीवन में क्या होता है कि भाई मेरी जो लाइफ होगी वो कैसी होगी, फ्रीडम और जॉय से भरी हुई और निर्भीकता से भरी हुई, दृढ़ता से भरी हुई। तो इसीलिए शायद आंट जेनिफर ने ये जो है पैनल पे जो है ये बाग बनाए होंगे, क्योंकि उसके भी कुछ डिज़ायर्स होंगे, उसके भी ड्रीम्स होंगे, वो भी चाहती होगी कि मैं इस प्रकार का एक लाइफ जीऊँ जिसमें मेरी फ्रीडम हो, ठीक है ना। तो इसलिए उसने वो बाग बनाए हैं और इसीलिए उनको आंट जेनिफर्स टाइगर कहा गया है। जैसे मैंने ये बताया यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे आप, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, ये पेड़ों के नीचे खड़े जो आदमी हैं ये कौन है, वास्तव में हंटर्स हैं जो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते हैं, लेकिन ये बाघ फिर भी इनसे क्या है, भयमुक्त तो होते हैं, क्योंकि बाघ को कहते हैं ना जंगल का राजा, बिल्कुल निर्भीकता से जो है और एक ब्रेवरी का वो सिंबलाइज करता है। तो आंट जेनिफर ने ये बाघ इसलिए बनाए हैं कि उसके भी अपने कुछ सपने हैं, उसकी भी कुछ डिज़ायर्स हैं, वो भी चाहती है कि उसका जीवन जो है फ्रीडम और ब्रेवरी और स्ट्रेंथ और जॉय इन सब के साथ आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप अगले जब स्टेंजा में देखेंगे कि क्या वास्तव में, देखो ये बाघ देखो पेस करते हुए, पेस इन स्लिक मतलब बहुत सॉफ्ट मूवमेंट करते हुए, और सिवर लिक मैंने निर्भीकता से और सर्टनिटी मैंने निश्चितता से दृढ़ता से वो जो है आगे की ओर बढ़ते हैं अपने शिकार की ओर। तो देखो इस बाघ की जो आप फिगर देख रहे हो, उसका कलर देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो उस पुखराज की तरह जो है क्या है, चमकीला है और एक ब्रेवरी का एक एक सिंबलाइज है। तो आंट जेनिफर अपने जीवन को इस तरह चाहती है कि वो भी जो है एक निर्भीक और क्या, एक फियरलेस और एक फ्रीडम का उसका जीवन हो, और इसी आशा से उसने क्या किए हुए हैं ये जो है बनाए हुए हैं। आप देखो नेक्स्ट स्टेंजा में आप देख रहे हो, आंट जेनिफर्स टाइगर फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, फ्लटरिंग माने कांपते हुए। तो ये देखो आंट जेनिफर की जो फिंगर हैं, उंगलियां, वो कांप रही हैं थ्रू हर ऊल, ये ऊन पे ये जो बुन रही है वो, तो देख रहे होंगे आप उसकी जो ये बुन रही है। फाइंड इवन द इवोरी नीडल, इवोरी देखो उसके हाथ पे जो नीडल्स हैं वो इवोरी, इवोरी होते हैं हाथी दांत के बने हुए, जो ये जिसे कहते हैं क्या करते हैं, नेटिंग करती हैं औरतें, बुनती हैं, जो सिलाई होती हैं वो हाथी दांत की बनी हुई होती हैं। तो फाइंड इवन द इवोरी नीडल हार्ड टू पुल, उसको बड़ी मुश्किल हो रही है उसको खींचने में, जबकि वो बहुत इजी होता है उसको खींचने में। ये देखो नीडल आपके सामने है, तो देखा होगा आपने कि जब ऊन बुनती हैं या कुछ कार्डिंग करती हैं या जब नेटिंग करती हैं तो इस नीडल का सहारा लेना पड़ता है। तो ये भी उसको इतनी बारीक जो सुई है या सिलाई है, इसको खींचते हुए भी उसकी उंगलियां कांप रही हैं। तो देखो मैरिड लाइफ है ये, बहुत वीक हो चुकी है आंट जेनिफर, बहुत ओल्ड हो चुकी है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, मैसिव मैंने बहुत भारी, वेट मैंने वजन, ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, अंकल की शादी का बैंड मैंने बंधन। तो भाई शादी का बंधन का मतलब क्या है कि जो जिस बंधन में वो बन चुकी है अंकल के साथ, यानी कि वैवाहिक जीवन को जो जी रही है, उसका जो भारी वजन, भारी वजन का मतलब यहाँ पे है कि जो बहुत हार्ड लाइफ वो जी रही है वैवाहिक जीवन की, ये इसने जो अंगूठी पहनी हुई है सिंबल है कि उसने शादी की है उससे, किससे, अंकल से, लेकिन उसका जो जीवन है बहुत हार्ड है, बहुत, इसलिए उसको मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, शायद अंकल ने उसके बहुत क्रूली ट्रीट किया उसके साथ। सिट हैबिली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, तो ये मतलब उस आंट जेनिफर के हाथों में भारी भरकम लग रहा है उसका वजन, किसका, उसके शादी का। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शादी के बाद आंट जेनिफर बहुत मिजारेबल जीवन जी रही है, और जिस शादी के बंधन में बंधी भी है अंकल के साथ, वो उसका बोझ के तले वो दबी हुई है। यानी कि जहाँ उसने फ्रीडम सोची थी, जहाँ उसकी डिजायर थी उन बाघों की तरह
जो उसने अपने पैनल पे बनाई थी वो शादी के बाद एकदम से बोझिल हो गई है, और आज उसकी स्थिति ये हो चुकी है कि बहुत ओल्ड और वीक हो चुकी है, उसकी उंगलियां कांप रही हैं और उसका जीवन बहुत मिजरेबल हो चुका है। इस शादी का बंधन उसको जो है बहुत भारी लग रहा है इस समय। तो अभी आपने देखा आपने कि किस प्रकार जो उसका डिज़ायर जो था, तो शादी के बाद जो उसका जीवन रहा वो कैसा रहा और किस प्रकार की मिजरेबल जीवन ने उसको उसको जो इसके शादी के जीवन को एक बोझ बना दिया है और जो उसको बहुत भारी सा प्रतीत नज़र आ रहा है। तो ये है वुमेन के शादी के बाद का जो जीवन, क्यों क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर लेती है हर जगह पे, माने वो अपने सारी फ्रीडम्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर को सब भुला देती है। व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, उसके डरे हुए हाथ वैसे ही रहेंगे, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स यहाँ पे क्या है, जो उसको क्या कहते हैं, घाव मिले हैं, ऑर्डियल्स घाव, शी वॉज मैस्टर्ड बाई, जिससे कि वो मैस्टर्ड सुसज्जित हुई है। कहने की तरफ का तात्पर्य क्या है कि कहीं ना कहीं वो अंकल ने उसको बहुत बीट किया है और उसके निशान आज भी उसके हाथों पे है। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, लेकिन जो बाघ उसने बनाए हैं उस पैनल पे वो तब भी जो है क्या है, ऐसे ही उछलते हुए प्राउड गर्व के साथ और बिना भय के आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये